अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केजी क्लास का आज का लेक्चर है उर्दू का। सबसे पहले पेज पे है हरूफ तहज्जी की मशक करें। हरूफ तहज्जी आप बेटा पहले सब सीख चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में, आज आप इसको रिपीट करेंगे। एक दफ़ा मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखना सिखाऊँगी, उसके बाद नीचे वाली लाइन पर आप खुद लिखेंगे। आपने इसकी दो दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सबसे पहला हरफ है अलिफ मद्दा, ये अलिफ, इसके ऊपर मद्दा, अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा के बाद अलिफ, बे, बे के नीचे देख रहे हैं कितने नुक्ते हैं, एक, बे, बे के बाद पे, पे के नीचे तीन नुक्ते हैं, ते, ते के ऊपर दो नुक्ते, ते के बाद टे, टे के ऊपर छोटी दोएं, से, से के ऊपर तीन नुक्ते, आगे है जीम, ये सीधी लाइन, इसको आप कर्व शेप बनाते हुए लाइन से नीचे भी लेके आएंगे, ठीक है। जीम, आप इसमें तीन नुक्ते लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, चे, हे, इसमें कोई नुक्ता आपने नहीं लगाना, हे, ठीक है, जीम, चे, हे, हे, आगे है दाल, डाल, डाल जैसा बना के ऊपर छोटी तोएं बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, डाल, जाल, दाल, डाल, जाल, रे, ये सीधी लाइन, फिर यहां से इस तरफ ले आए, ये क्या बन गया, रे, रे, इसके ऊपर छोटी तोएं बनानी है, रे, जे, एक नुक्ता, रे बना के उस पर एक नुक्ता लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, जे, फिर वैसे ही रे बनाएं, इसके ऊपर तीन नुक्ते बनाएंगे तो ये, क्या बना, ये, रे, रे, जे, ये, जी, आगे है सीन, ये सीन के आपने ये सिरे बनाने हैं, फिर नून गुन्ना जैसी शक्ल, सीन, ठीक है, आपने इसको लाइन से नीचे भी लेके आना है, शीन, शीन के ऊपर तीन नुक्ते आएंगे, यहां से आप पहले इसको गोल करके थोड़ा सा आगे लाएंगे, फिर इसके साथ नून गुन्ना बनाएंगे, सौद, क्या बन गया, सौद, इसी तरह ऐसे गोल करके नून गुन्ना मिलाएं, ये बन जाएगा दौद, इसके ऊपर सौद जैसा बना के एक नुक्ता लगाएंगे तो बन जाएगा दौद, आगे है तोएं, ये आप सीधी लाइन बनाएं, फिर यहां से गोल करते हुए इस तरफ ले जाएं, तोएं, क्या बना, तोएं, ये सीधी लाइन, फिर वापस यहाँ से ऐसे गोल करना है, ठीक है, इसके ऊपर एक नुक्ता बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, जोएं, तोएं, जोएं, आगे है आइन, ये आपने छोटी सी शेप बनाई,
इसी तरह की आपने एक बड़ी शेप बनानी है जो लाइन से नीचे भी जाए, ये बन जाएगा आइन। इसी तरह आपने दोबारा बनानी है, ये बनेगा, इसके ऊपर नुक्ता बनाएंगे तो गाइन, आइन जैसा है ना, आइन गाइन, नुक्ते वाला गाइन। आगे है फे, इसको आप ऐसे गोल करते हुए आगे ले आए, फे। कॉफ, ये ऐसे गोल बना के जैसे फे के लिए बनाया था, अभी इसके साथ ऐसे बे जैसी शक्ल मिलाई है, इसके साथ नून जैसी मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कॉफ। आगे फिर बे जैसी शक्ल बनानी है सीधी, ये इसको ये थोड़ा सा बड़ा और ये एक लाइन बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, काफ। फिर वैसे ही बनाएं, अब इसके ऊपर हम दो लाइनें बनाएंगे, ये बन जाएगा गाफ, काफ गाफ। आगे है लाम, ये भी आपने लाइन से नीचे भी लेके जाना है, ठीक है, लाम। आगे है मीम, ये आप थोड़ा सा गोल करें और फिर इसको नीचे ले आए, ये क्या बन जाएगा, मीम, लाम मीम। नून, नून के अंदर एक नुक्ता बनाएंगे, नून के बाद वाव, हे। ये आपने ये देखें, थोड़ा सा मामूली सा सिरा इसका बाहर छोड़ना है, ठीक है, उसके साथ नहीं टच करना, थोड़ा इसके नीचे इस तरफ ऐसे जोड़ना है इसको, ये गोल करके इधर, हे। हमजा, ये जैसे आइन के लिए शक्ल बनाई थी वैसे आइन जैसा ऊपर छोटी शेप बना के उसको ऐसे सीधा लाइन के साथ जोड़ देना है, आइन, हमजा, सॉरी हमजा। और ये छोटी है बड़ी है, ठीक है बेटा, आपने ये सारी प्रैक्टिस की, आपके जो नेक्स्ट पेज है ना, पेज जो थर्ड नंबर पे पेज, थर्ड पेज आएगा उस पे भी लिखा है अलिफ मद्दा से ये तक लिखिए, यहाँ पर भी आपने जो पीछे टू पेजेस के ऊपर आप लिखेंगे अलिफ मद्दा से ये तक, आप वहाँ पर टू टाइम लिखेंगे, ऊपर एक दफ़ा लिखा हुआ है, जैसे अभी हमने ये लिखा है, ये देखें ये पेज आप करेंगे अलिफ मद्दा से ये तक सारा करने के बाद आप ये पेज भी करेंगे, ठीक है, ये भी सेम वैसा ही पेज है, आपने अलिफ मद्दा से ये तक लिखना है सारा, ठीक है बेटा, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, आराम से लिखना है। अल्लाह हाफिज़।